स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस का अड्डा एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर नीलो एंड आई एम अगेन विद द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली ये सॉल्ट बनाएंगे तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं हाउ मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स लेके पढ़ते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेटल का सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजी एग्जाम्पल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द सोडियम Na। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं देन 281, यानी कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आता है इसका। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दैट इज़ द सेकेंड शेल एंड दैट इज़ द थर्ड शेल। फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2, सेकेंड 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड द लास्ट वन इज 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज सेल के, दिस इज एल एंड दिस इज एम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम के लिए एम शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, डोनेट कर दे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी L और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इस कंडीशन में। बट यूजुअली हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो लाइक दिस सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि सोडियम कैटायन बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज़ 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देन 2 8 एंड 7। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो यानी कि इसकी थर्ड शेल ये भी है, यानी कि एम शेल है। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो फर्स्ट में 2 सेम हैं, सेकंड में 8 सेम हैं एंड थर्ड में 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको क्या चाहिए, इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर नहीं सकता क्योंकि ये इजी नहीं है इसके लिए कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करने के। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। सो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, देखिए क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब ये क्लोरीन नेगेटिव एनायन बन जाता है एंड इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके NaCl कंपाउंड बनाते हैं। कैसे देखते हैं, देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कैटायन इस एनायन को एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट कर देगा। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके बाद क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ सोडियम से क्लोरीन की तरफ, सोडियम कैटायन से क्लोरीन एनायन की तरफ। सो यहाँ पर जब ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया एंड फाइनली इनके बीच में एक फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। दैट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से ही ये क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, बाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्गली अटैच रहते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, इज इट। तो लेट मी टेल यू, इस तरीके के कंपाउंड्स जो बन रहे हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। इनको क्या कहा जाता है, आयोनिक
कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, सो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके किस तरीके से सॉल्ट या कंपाउंड, ऑब्वियसली कंपाउंड क्या होता है, सॉल्ट होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये और वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl है ये, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इज इट, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसका एक एग्जांपल और है जैसे कि MgCl2, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। नाउ अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए देखते हैं। वैसे तो इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज़ द फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके के होते हैं, सो लेट मी टेल यू, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड स्टेट पे होते हैं, यानी कि ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। जनरली यूजुअली ये थोड़ा सा ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब अगर हम थोड़े से इस पर वार करें, इस पर स्ट्राइक करें इस पे, तो क्या करेगा, टुकड़े होकर के टूट जाएंगे। जैसे नमक होता है, NaCl का क्रिस्टल होता है, उसको हम हथौड़े से मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाता है ना छोटे छोटे पीसेस में। सो दिस नेचर इज कॉल्ड ब्रिटल। सो लाइक दैट वी कैन से दे ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर एंड फोर्स ऑन दैट। द सेकेंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो वॉट आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जनरली हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है। इनके बीच का जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से होता है एंड दैट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ होती है, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, अदर इस तरीके के जो लिक्विड्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, उनमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। द फोर्थ इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल दे आर इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट में हो, आइदर दे आर सॉल्युबल हो, किसी वाटर में जैसे सॉल्युबल होते हैं ये, तो सॉल्युबल हो जाते हैं तो क्या होता है, ये अपने आइंस में सॉल्युबल होते हैं। सो ये क्या करते हैं, जब किसी भी लिक्विड में, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास कराई जाती है तो वो किसके थ्रू कंडक्ट होती है, ऑब्वियसली उनके आइंस के थ्रू ही कंडक्ट होती है और ये अपने आइंस के थ्रू ही सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही अच्छे से कंडक्ट होती है क्योंकि ये सॉल्युबल हो करके अपने आइंस को ज़्यादा मूवेबल बनाते हैं, बहुत जल्दी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम इलेक्ट्रोड्स लेकर के इसमें पढ़ चुके हैं,
हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो ये अपने जैसे आयन में ब्रेक होंगे, सो पॉजिटिव और नेगेटिव में ही होंगे। तो पॉजिटिव आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव आयन किस की तरफ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो अपोजिट आयन की तरफ ये जाते हैं, मूव करते हैं और अपनी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्पफुल होते हैं। एंड लेट मी टेल यू, जैसे कि मैंने बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोल्टन स्टेट पे या लिक्विड स्टेट पे, मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं, तभी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। जब ये रिजिड हैं, सॉलिड हैं, तब ये हीट और हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड होने की वजह से आयन मूव नहीं कर पाते हैं, रीज़न ये है। नाउ द टॉपिक ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। सो लेट मी टेल यू, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो मेनली मेटल्स अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं और काफ़ी हद तक ये सी में भी पाए जाते हैं। सी में ये डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सी में डिजॉल्व होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो सी वाटर में ये सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स जो हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में ये डायरेक्टली तो मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, ये कई चीज़ों के साथ मिक्स में इम्प्योर फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मिनरल फॉर्म में पाए जाते हैं। बट हम मिनरल्स को उनके ओर्स से निकालते हैं, यानी कि इम्प्योर फॉर्म से निकालते हैं। सो ये मिनरल्स क्या होते हैं? लेट मी टेल यू के जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड द मिनरल्स। सो अब आगे पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब ये अब हमें इम्प्योर फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, मिनरल्स इन द ओर है उस फॉर्म में मिल रहे हैं हमें नेचर में, अर्थ क्रस्ट में। तो हम कंप्लीट मेटल, प्योर मेटल कैसे पा रहे हैं? फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन। सो ही एक्सट्रैक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है देखते हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम पढ़ते हैं और आपको मेमोराइज कराते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी और इसमें बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पर मेटल्स हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। मिडल में जो हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, सो रिएक्ट करती हैं, और जो डाउन में आती हैं वो स्लो हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव टू हायर और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के तरह पढ़ें अगर हम, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कि कम से कम रिएक्ट करने वाली हैं। और जब वो कम से कम रिएक्ट कर रही हैं तो वो किस स्टेट में पाई जाएंगी? वो फ्री स्टेट में पाई जाएंगी नेचर पर, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, जल्दी रिएक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं नेचर में। तो लेट मी टेल यू, जो फ्री स्टेट में पाई जा रही हैं तो जाहिर सी बात है वो मिनरल्स या एलिमेंटल फॉर्म में पाई जाएंगी। वहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो कंपाउंड फॉर्म में भी पाई जाती हैं, और कंपाउंड फॉर्म में कौन पाई जाएंगी? जाहिर सी बात है जो रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगी, तो वो मॉडरेट या हाई रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं। सो तो मैंने जैसे कि अभी बताया जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं वो मोस्टली किस स्टेट में पाई जाएंगी? फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये क्या हैं? ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं नेचर में, इन द अर्थ क्रस्ट, इज इट। इसके अलावा कहीं कहीं कॉपर और सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। कंबाइंड फॉर्म में किस फॉर्म में पाई जाती हैं? ये सल्फर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में पाई जाती हैं नेचर में। कौन? सिल्वर और कॉपर, बाकी गोल्ड और प्लेटिनम नहीं।
अब बात करते हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज में है, यानी कि वो कैसी हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से वो तुरंत रिएक्ट कर जाती हैं और तुरंत रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, कंपाउंड बना लेती हैं और कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो फ्री स्टेट पर नहीं पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी मेटल्स हैं देखते हैं, बात करते हैं। ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे आर द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ये बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो ये हमेशा कंपाउंड फॉर्म में ही पाई जाती हैं, फ्री स्टेट पर नहीं पाई जाती। अब इसके बाद में बात करते हैं मिडिल स्टेट में, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में एलिमेंट हैं वो कौन सी हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ वो मॉडरेट होती हैं, मीडियम होता है उनकी रिएक्ट करने की कैपेसिटी। तो कई बार मोस्टली चूँकि वो रिएक्टिव तो हैं ही, लीस्ट से हायर पे हैं तो रिएक्ट कर जाती हैं और कंपाउंड फॉर्म में पाई जाती हैं। ये कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं उनके एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, ये हैं जिंक, आयरन और लेड। ये रिएक्ट कर जाती हैं क्योंकि मॉडरेट रिएक्टिव हैं, रिएक्ट कर जाती हैं बट सिलेक्टिवली रिएक्ट करती हैं, मतलब किस किस के साथ रिएक्ट करके किस फॉर्म में पाई जाती हैं। सो ये ऑक्साइड्स फॉर्म में पाई जाती हैं, सल्फाइड्स फॉर्म में पाई जाती हैं और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। सिर्फ इतना ही लिमिटेशन है इनकी, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, सिर्फ इन तीन फॉर्म्स में ही पाई जा सकती। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अक्सर अभी हम लोगों ने पढ़ा ओट्स के बारे में, तो ओट्स मेनली ऑक्साइड्स फॉर्म में बहुत पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, मोस्टली एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स बना लेता है। इसलिए ज़्यादातर ओट्स ऑक्साइड्स फॉर्म में ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। सो फाइनली रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर मेटल्स कौन सी रिएक्टिव हैं, कौन सी कम रिएक्टिव हैं और कौन सी बिल्कुल कम रिएक्टिव हैं, उस बेस पर हम मेटल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये थ्री कैटेगरी कौन कौन सी हैं, द फर्स्ट इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, इसको ऐसे भी कह सकते हैं के मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। नाउ द थर्ड एंड लास्ट वन, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। सो इन तीन बेसिस में हम मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उसी बेस पर हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आइए देखते हैं कैसे हायर, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक फ़्लो चार्ट दे रही हूँ, इस फ्लो चार्ट में आप देख लीजिए किस तरीके से ओर्स और ओर्स से उसके अपने अपने सिंपली ओर्स से उससे किस तरीके से हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव मेटल्स किस प्रोसेस के थ्रू अलग हो रही हैं, एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, इस फ्लो चार्ट में आपको पूरा दिया गया है, बाकी मैं आके एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ द टॉपिक इज एनरिचमेंट of ores. So enrichment of ores में अगर हम बात करें, ores जो हैं कहाँ से निकाले जाते हैं, माइंड से निकाले जाते हैं और ये प्योर फॉर्म में तो होते नहीं हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनमें, इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सॉइल है, सैंड है और भी कई चीज़ें इसमें मिक्स रहती हैं। तो
अब उस ओर से हमें पर्टिकुलर कोई मेटल प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमें पढ़ना है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये सॉइल है, सैंड है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसमें? ओर में पाई जाती हैं। सो ये इम्प्योरिटीज़ क्या कहलाती हैं? ये इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं गैंग। सो इन गैंग को किस तरीके से अलग करते हैं? अब देखिए, गैंग भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो अब गैंग की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अलग अलग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द ओर, इज़ इट? जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन मेटल्स के लिए जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसके लिए पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। सो जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होती हैं या लो एक्टिविटी सीरीज़ में पाई जाती हैं या एक्टिविटी सीरीज़ में लोअर पोजीशन पे पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, यानी कि वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से वो जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती हैं, और जब जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती हैं तो यूजुअली वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज़ में लोअर पोजीशन पाई जा रही हैं, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो उनको बहुत ही इजीली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ हीट करने भर से, उस ओर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने भर से क्या होता है, उसके जो यूजुअली मैंने ये भी बताया था कि जो मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं इस फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो मेटल्स हैं लोअर एक्टिविटी सीरीज में पाए जा रहे हैं, वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब उनको हीट किया जाता है तो हीट करने से क्या होगा, उनके ऑक्साइड्स रिड्यूस हो जाते हैं और क्या दे देते हैं, मेटल दे देते हैं। कैसे? इसका एक एग्जांपल है सिनाबार। सिनाबार को हम ये अपने ऑक्साइड्स में किस तरीके से ऑक्साइड से रिड्यूस हो रहा है सिर्फ हीट करने से देखते हैं। सो लेट्स सी हियर, दिस इज़ द सिनाबार। ये मरकरी का एक ओर है, और इसको अगर हम सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एयर में हीट करते हैं, तो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फर्दर इसको और हीट करने पर ये हमें मरकरी, जो कि एक लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, उसमें मरकरी में, मतलब प्योर मेटल हमको मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे ये कॉपर नेचर में अपने ओर में, अपने ओर के फॉर्म में पाया जाता है, और जब इसको भी सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर में हीट किया जाता है, तो ये सिंपली क्या करता है, अपने हीट करने पर फर्दर कॉपर प्योर मेटल हमको दे देता है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे हमें प्योर मेटल्स मिल रही है, यानी कि जो लो एक्टिविटी सीरीज में पाई जाती हैं मेटल्स, उनको सिर्फ और सिर्फ हीट कर देने भर से, एयर में हीट कर देने से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हीट कर देने मात्र से ही ये क्या हो जाते हैं, अपने प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स में हमें मिल जाते हैं, इज इट? नाउ द नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। यानी कि जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में मिडिल पोजिशन में पाई जाती हैं, उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये हम पढ़ते हैं। तो ये मेटल्स कौन सी हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कौन कौन सी हैं, ये हैं मोस्टली जिंक है, आयरन है, लेड है, कॉपर है। ये सारी की सारी मेटल्स मीडियम पोजीशन पे पाई जाती हैं, मिडिल पोजीशन में पाई जाती हैं एक्टिविटी सीरीज़ में या रिएक्टिविटी सीरीज़ में।
ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये मॉडरेट रिएक्ट करती हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा इनके रिएक्ट करने की कंडीशंस तो नहीं है, मतलब ये मॉडरेटली रिएक्ट करती हैं और सिर्फ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स इजीली जो है वो रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के। सो लेट मी टेल यू, सो इसके लिए क्या किया जाता है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के लिए जो मेटल्स सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में ओर्स में ओर में प्रेजेंट हैं, सबसे पहले उन्हें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन फिर उनको उन मेटल्स को उनके प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, रिड्यूस कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, सबसे पहले सल्फर से रिएक्ट करके बनने वाले सिर्फ सल्फाइड्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको हीट किया जाएगा, हीट किया जाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड्स को रिड्यूस किया जा रहा है और वो कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्साइड्स में, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, रोस्टिंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ, कई बार पूछी जाती है। एंड द सेकेंडली कार्बोनेट्स को, कार्बोनेट्स से अगर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मेटल ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करके, उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, मीन्स कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो कैल्सिनेशन क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सल्फर से बनने वाले जो सल्फाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स जो मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रोस्टिंग। वहीं कार्बोनेट्स जो हैं, कार्बन से रिएक्ट करने के बनने वाले जो ओर्स थे कार्बोनेट्स, उनसे जो मेटल ऑक्साइड्स बन रहा है वो कैसे बन रहा है, लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको हीट किया जा रहा है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। द डिफरेंसेस इज आस्किंग ईच टाइम इन द एग्ज़ाम, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। सो ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दी हैं, डिफरेंस क्या है ये बता दिया है, अब मैं इनको रिएक्शन के थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक कॉमन मेटल ली है, दैट इज़ द जिंक, जिंक ओर से किस तरीके से जिंक प्योर हमें मिल रहा है विद द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड विद द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, लेट्स सी। सो देखिए यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन, यहाँ पर मच ऑक्सीजन चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, उसकी प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है जिंक ऑक्साइड, ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग, इज इट क्लियर। नाउ कैल्सिनेशन, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, यानी कि कार्बोनेट्स को ही यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जा रही है, यहाँ पर जब इसको हीट किया जा रहा है तो भी ये देखिए जिंक ऑक्साइड बना रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये फ़र्क है दोनों में। अब देखिए, चाहे इस प्रोसेस में जिंक ऑक्साइड मिला हो, चाहे हमें इस प्रोसेस में मिला हो, इसके बाद हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड से इसका प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कार्बन हमने लिया है, दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, और इसके साथ जब हमने इसको रिएक्ट कराया, रिड्यूस कराया, तो हमें जिंक मेटल प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्टेड मिल होकर के मिल गया या रिड्यूस होकर के मिल गया। सो लेट मी टेल यू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं आप लोग पढ़ चुके हैं, और मेटल्स को उनके कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करना या रिड्यूस करना एक रिडक्शन प्रोसेस ही होती है। कई बार क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन है, कोक, उसको यूज़ ना करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ किया जाता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल को रिड्यूस करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगी, जाहिर सी बात है हाईली रिएक्टिव मेटल्स
लोअर रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देती हैं ईजिली। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी ली जा सकती हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरीके के मेटल्स को लिया जाता है और इनकी रिएक्शन कराई जाती है उस मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराई जाती है। और ये सिंपली क्या करती हैं, लोअर रिएक्टिव मेटल्स को ईजिली डिस्प्लेस कर देती हैं और डिस्प्लेस के थ्रू नया जो मतलब जो डिस्प्लेस होकर के वो क्या देती हैं हमें, एक रिड्यूस होकर के प्योर मेटल एक्सट्रैक्टेड हमको मिल जाता है। सो इस तरीके से ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहते हैं। वो देखिए यहाँ पर मैंगनीज डाई ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्म में है और इसमें एल्यूमिनियम पाउडर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें मैंगनीज रिड्यूस होकर के प्योर फॉर्म में, मेटल फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ पे ये एल लिखा हुआ यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है मैं अभी बताती हूँ। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, ये देखिए बहुत सारी हीट निकलती है, यानी कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि मेटल सॉलिड ना होकर के मॉल्टन स्टेट में मिलता है, इसलिए ये लिक्विड होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप देख लीजिए फेरिक ऑक्साइड है, ये भी जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ देखिए आयरन प्योर हमें मेटल मिल रहा है, ये भी लिक्विड यानी कि मॉल्टन स्टेट में मिल रहा है और यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रिलीज आउट हो रही है। तो चूंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पे लिक्विड यानी कि मॉल्टन स्टेट पर हमें आयरन मिलता है, तो इसका यूज़ अक्सर रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक आ जाते हैं, टूट जाती हैं या कोई मशीन पार्ट टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो मॉल्टन आयरन होता है जा कर के उन क्रैक्स में फिक्स हो जाता है ईजिली। सो इस रिएक्शन को इस वजह से थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। सो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में या एक्टिविटी सीरीज़ में मिडिल पोजीशन पे पाई जाती हैं वो किस तरीके से एक्सट्रैक्टेड आउट होती हैं या उनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। नाउ द वेरी लास्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सो लेट मी टेल यू, और आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे टॉप पर पाई जाने वाली जो मेटल्स होती हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। और रिएक्टिव होने की वजह से क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी ये किसी कंपाउंड फॉर्म में पाया जा कंपाउंड बना लेती हैं, कंपाउंड फॉर्म में ही पाई जाती हैं। लेकिन अब इन मेटल्स को इनके कंपाउंड से कार्बन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना, चूँकि कार्बन क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, तो कार्बन की हेल्प से ईजिली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए हमें दूसरी प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि इनको कार्बन की हेल्प से या जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसके हेल्प से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं कौन सी हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी एफिनिटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिड्यूस नहीं हो पाती हैं कार्बन के साथ, कार्बन के हेल्प से। सो इसके लिए इनके लिए एक अलग प्रोसेस यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ किया जाता है इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है ये हम आपको बताते हैं, और आप इलेक्ट्रोलिटिक से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं या एक बर्तन ले सकते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इन पॉजिटिव और इलेक्टिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सो इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये इनको जब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है तो ये मॉल्टन स्टेट में कंबाइंड होती हैं, या मॉल्टन स्टेट में ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जब इनके क्लोराइड्स का, मॉल्टन क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है,
तब ये एक्सट्रैक्ट होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो मेटल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती हैं ऑब्वियसली ये कहाँ जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज पार्ट इलेक्ट्रोड पर यानी कि कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होगी। जो क्लोराइड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो जाकर के एनोड पर डिपॉजिट होते हैं। सो देख लीजिए यहाँ पर सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये एक्सट्रैक्ट आउट होता है किस पर, कैथोड पर, और क्लोराइड क्लोरीन जो है एक्सट्रैक्टेड आउट हो जाती है एनोड पर। सो इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्टेड आउट किया जा सकता है बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्टेड आउट किया जा सकता है बाय द सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट हो रही थी, एक्सट्रैक्टेड हो रही थी। तो ये जो मेटल एक्सट्रैक्टेड हो रही थी ये 100% प्योर फॉर्म में नहीं थी। अब इनको प्योर करने के लिए क्या किया जाता है, रिफाइनिंग की प्रोसेस की जाती है। ये रिफाइनिंग कौन सी होती है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब जैसे मैंने बताया मेटल्स होते हैं ये इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, इनको प्योरिफ करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है इसे देख। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके के मेटल्स को हम प्योर कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बीकर कह सकते हैं लेते हैं, उसमें हम दो इलेक्ट्रोड सेट करते हैं। दो इलेक्ट्रोड, एक एज अ एनोड वर्क करता है और एक एज अ कैथोड वर्क करता है। एनोड और कैथोड क्या है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इसमें जो इम्प्योर मेटल्स होती हैं यानी कि हमारे पास जो मेटल मिल रही है एक्सट्रैक्ट हुई वो अभी इम्प्योर है, उसको हम कैसे सेट करते हैं, उसे हम एज अ एनोड सेट करते हैं। और जो मेटल है, जो भी हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उस मेटल की एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप कह सकते हैं, स्ट्रिप लेते हैं और उसको एज अ कैथोड फिक्स करते हैं। अब इसमें हम मेटल सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये मेटल सॉल्यूशन या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे, सेम मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन को हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट फिक्स करते हैं उसी कंटेनर में। अब इसको हम सेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होती है तो एनोड जो कि इम्प्योर मेटल है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी, मेटल्स के आइंस रिलीज होना स्टार्ट होंगे और जो प्योर मेटल आइन है ऑब्वियसली वो जा कर के कहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, सेम मेटल स्ट्रिप पर जो कि एज अ कैथोड ली गई है। तो एनोड से कैथोड पर क्या होगा, आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, एनोड से जो कि एक इम्प्योर मेटल है वहाँ से प्योर मेटल निकल करके आइंस कैथोड पर जा करके चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उस एनोड में जो इम्प्योरिटी थी वो भी साथ में रिलीज होगी, तो जो डिज़ोल्व होने वाली होती है, वाटर डिज़ोल्व है उस सॉल्यूशन में, डिज़ोल्व होने वाली है वो डिज़ोल्व हो जाएगी उसी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में, और बाकी की जो इनसॉल्युबल होगी वो एनोड के नीचे ही वहीं नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, उस इम्प्योरिटी को एनोड मड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोसेस होती रहेगी धीरे धीरे करके, प्योर मेटल आयन निकल करके एनोड से कैथोड पर जा करके चिपक जाते हैं और वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमें बिल्कुल रिफाइंड प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन, मैं इसके लिए आपको कोरोजन क्या है, तो कोरोजन क्या है इससे पहले हम इसका थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देते हैं। कई बार आपने देखा होगा सिल्वर ज्वेलरी है या सिल्वर के बर्तन हैं, प्योर सिल्वर के, ये अगर बाहर ओपन एयर में रखे रहें तो कई दिन बाद हम देखते हैं कि वो काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, यूजुअली एयर में मौजूद सल्फर उस सिल्वर से रिएक्ट कर जाती है और सिल्वर से रिएक्ट करके वो सल्फ़र उसको काला कर देती है। तो वो कालापन एक्चुअली क्या है,
वो एक्चुअली सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे कि चांदी के बर्तन या चांदी की ज्वेलरी काली पड़ जाती है। ये क्या है? ये चांदी का कोरोजन है, सिल्वर का कोरोजन है। नाउ नेक्स्ट, इसका और दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम कॉपर। कॉपर जो होता है ब्राउनिश कलर का होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है, लेकिन अगर उसको भी ऐसी ओपनली एक्सपोज रखा रहने दिया जाए तो हम देखते हैं कि उस पर भी एक हरे रंग की लेयर सी आ जाती है, या हरे रंग की कहीं कहीं पर कुछ लेयर कलेक्ट दिखाई देती है। वो ग्रीन कलर की लेयर क्या है एक्चुअली? एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट है, यानी कि जो कॉपर है, कॉपर के बर्तन हैं, ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं, जो ग्रीन कलर की एक लेयर होती है। ये कॉपर का क्या है? कोरोजन है। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली आयरन। आयरन को आपने देखा होगा, आयरन को अगर हम ओपनली एक्सपोज रख देते हैं तो उस पर भी एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जो उसको डिके करने स्टार्ट कर देती है, पाउडर फॉर्म पे झड़ने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड रस्ट। रस्ट है, आयरन की रस्ट प्रोसेस हो जाती है। तो ये क्या है? ये आयरन का कोरोजन है। तो लेट मी टेल यू कि ये कोरोजन है क्या। व्हाट इज़ द कोरोजन? सो व्हाट इज़ द कोरोजन? कोरोजन क्या है? कोरोजन एक्चुअली जब कोई मेटल अपने आसपास की चीज़, चाहे वो एयर हो, एयर में मौजूद डिफरेंट टाइप की गैसेस हो, मॉइस्चर हो, एसिड हो, उनके कांटेक्ट में आती है और कांटेक्ट में आकर के उससे अफेक्टेड होती है, और अफेक्टेड होकर के उसमें कुछ ना कुछ उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। और उस मेटल के मेटल क्या हो जाती है? मेटल करोड हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कोरोजन। और मेटल क्या होती है? करोड होती है। ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से प्रिपेयर। साथ में ये भी बहुत पूछा जाता है कि जैसे मैंने अभी आयरन के लिए बताया कि आयरन पर रस्ट लग जाती है, तो आयरन पर रस्ट लगने की क्या कंडीशंस होती हैं? आयरन पर रस्ट कैसे लगती है? आयरन पर रस्ट लगने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? इसकी एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। सो लेट मी टेल यू कि आयरन पर रस्ट लगती है जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। मॉइस्चर कैसे? मतलब लेट मी टेल यू, रेनी सीजन में अक्सर ये देखा गया है कि कंपैरेटिवली अदर समर के रेनी सीजन में, फिर विंटर में आता है, आपने देखा होगा कि जो हवा होती है, एयर, ऑब्वियसली एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, और एयर क्या रखती है? मॉइस्चर कंटेन करे हुए होती है एक्सेस अमाउंट में। तो इसके लिए ये आयरन में रस्ट लगने के लिए एयर चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए, और ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं आयरन को, तो आयरन का रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अगर आयरन में एयर मिल रही है, मॉइस्चर नहीं मिल रही है, मॉइस्चर मिल रही है, एयर नहीं मिल रही है, तो इस यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इनके रस्टिंग होने पर। ये दोनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आयरन में रस्टिंग नहीं होगी। और द नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मतलब चीज़ों को, मेटल्स को कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हम पढ़ते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये प्रोसेसेस क्या हैं, वो ये तरीके क्या हैं, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वनाइजेशन। सो गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आयरन या स्टील के चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। उन पर एक थिन लेयर ऑफ प्लेटिंग की जा सकती है, थिन लेयर ऑफ जिंक की लगाई जा सकती है, जिसके थ्रू उन आयरन और स्टील की चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द गैल्वनाइजेशन। सो अगर इन केस ये जो जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, अगर इन केस ये जिंक कोटिंग टूट भी जाती है, तब भी ये क्या करता है? इन स्टील और आयरन के बर्तनों को, चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द रस्टिंग, फ्रॉम द कोरोजन। द नेक्स्ट इज एलॉयिंग। सो एलॉयिंग, एलॉयिंग क्या चीज़ है? एलॉयिंग क्या प्रोसेस है? एक्चुअली लेट मी टेल यू कि जो मेटल है, मेटल उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है।
अगर उसकी एक हाइब्रिड स्पीसीज तैयार कर दी जाए। हाइब्रिड का मतलब है मेटल को किसी दूसरे नॉन मेटल या दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके एक नई चीज़ बना दी जाए, दैट नई चीज़ इज़ कॉल्ड द एलॉय। सो व्हाट इज़ दिस वी विल जस्ट डिस्क्राइब लिटिल लेटर, बट मैं आपको ये बता दूँ कि अलॉय जो बनता है वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मतलब हमें अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का एलॉय चाहिए है, उस मेटल में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमें कोई और अच्छा इम्प्रूवड प्रॉपर्टी वाला एलॉय चाहिए है, तो हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, आयरन यूजुअली सॉफ्ट होता है, आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, एंड आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और उसको जब हॉट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसको ईजिली स्ट्रेच किया जा सकता है, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं होती है। लेकिन अगर इसी आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए, कितना कार्बन मिला दिया, 0.05% अगर हम इसमें कार्बन मिला देते हैं, तो इस आयरन की प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ड हो जाती है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो जाती है। आयरन इम्प्रूव्ड हो करके ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के ये तो एक तरीके का आयरन हो गया। अब दूसरी तरीके से अगर हम आयरन में निकल और क्रोमियम इनको मिला दें, तो इनसे मिलकर के जो नया हमें मटेरियल मिलेगा, एक अलॉय मिलेगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा और जो बनके तैयार होगा दैट इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, मजबूती ज़्यादा होगी, और इसमें जंग नहीं लगती, ये रस्ट नहीं होता, ये करोड नहीं होता है। तो इस तरीके से हम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी वाला, ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी वाला मटेरियल पा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलॉइंग। अब ये एलॉइंग प्रोसेस क्या है, एलॉय क्या है, तो सबसे पहले एलॉय पढ़ते हैं। अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब हम कोई दो मेटल ले सकते हैं, दो से तीन मेटल भी ले सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स ले सकते हैं, उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है दैट इज़ कॉल्ड द अलॉय। अब एलॉय जो है, एलॉइंग की प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो भी मेटल या नॉन मेटल हम ले रहे हैं उनको सबसे पहले उनके मोल्टन स्टेट पे लेके आते हैं, उनको पिघलाते हैं, और पिघला करके जो भी हमने रेशियो फिक्स किया है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, डेफिनेट प्रोपोर्शंस लिया है, उसमें उसको मिक्स करते हैं, एंड देन उसको सेट करने के लिए छोड़ देते हैं, हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी सॉलिड होने के लिए छोड़ देते हैं, तब उससे हमें एलॉय मिलता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द एलॉइंग। सो इस तरीके से हम बिल्कुल नई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाला, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी वाला, यूनिक प्रॉपर्टी वाला अलॉय बना सकते हैं। इसका मैं आपको और एग्जांपल दे दूं कि जैसे आपने पढ़ा होगा, और ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जैसे गोल्ड, गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड होता है, शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड होता है, लेकिन 24 गोल्ड जो होता है, कैरेट 24 कैरेट गोल्ड इतना प्योर होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसके ऑर्नामेंट नहीं बनाए जा सकते हैं, वो पिचक जाएंगे, वो शेप में नहीं आएंगे। तो यहाँ हमारे इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट बनाने के लिए। 22 कैरेट का मतलब 22% अगर हम गोल्ड ले रहे हैं, तो उसमें दूसरी मेटल मिलाते हैं 2%, 2% में क्या आ जाता है, या तो सिल्वर आ जाता है या तो कॉपर आ जाता है। सो इस तरीके से 22 पार्ट प्योर गोल्ड और 2 पार्ट सिल्वर या कॉपर को मिला करके 24 पार्ट बना दिया जाता है कंप्लीट, जिसको 24 कैरेट कह दिया जाता है, बट यूजुअली ये 22 कैरेट गोल्ड चलता है हमारे इंडिया में फॉर द मेकिंग ऑर्नामेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किया जाता है बोर्ड में। इसके अलावा मैं बात करती हूँ मरकरी। मरकरी क्या है, एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, एक इकलौती मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसका एलॉय होता है अमल का, ठीक है। इसके अलावा भी कई एलॉय हैं, जैसे कि हम बात करें ब्रास एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक के मिलने से बना हुआ है। इसके अलावा एक और एलॉय की बात करते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक एलॉय जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है, और ये जो ब्रास है और ब्रॉन्ज हैं, ये एलॉय हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो अलॉय हैं, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है
और मल्टिंग पॉइंट होता है ये इनके प्योर मेटल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो ये जो ब्रॉन्ज है और ब्रास है ये कॉपर से ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन कॉपर जितना अच्छा हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उतना अच्छा ब्रास और ब्रॉन्ज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनते हैं वो कॉपर के बनते हैं, इसके एलॉय ब्रॉन्ज या ब्रास के नहीं बनते हैं। इसके अलावा एक और एलॉय है सोल्डर, सोल्डर जो कि बना हुआ है और टिन से, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसीलिए इसका यूज़ वेल्डिंग के काम। सो ये आज मैंने आपका चैप्टर फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर और इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। इसमें मेटलर्जी वगैरह जो हैं वो नहीं दी गई हैं, बट जो रिफाइनिंग प्रोसेस दी गई हैं उनको अच्छे से पढ़िए समझिए, रिएक्शंस अच्छे से पढ़िए समझिए, बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, और अपने बोर्ड की अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।